एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। दोपहर के 1 बज गए हैं और आपको बता दें, 3 तलाक को लेकर ऐतिहासिक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल से जुड़ी बड़ी बातें, इस बिल के अंदर है क्या, जानने के लिए आपको सीधे न्यूज रूम लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी अमांद्रा के पास। बिल्कुल नेहा, आज का दिन देश भर की मुस्लिम महिलाओं के लिए है बेहद खास, क्योंकि संसद में 3 तलाक के खिलाफ बिल पेश हो गया है। कानून मंत्री ने आज इस बिल को लोकसभा में टेबल किया। क्या क्या प्रावधान है इस बिल में वो आपको बताते हैं। एक साथ 3 तलाक असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया गया है इस बिल में। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें पहले ही रोक लगा दी थी, यानी बोलकर, लिखकर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक से भी 3 तलाक अब गैर कानूनी हो गया है, यानी एक झटके में किसी भी तरह 3 तलाक नहीं लिया जा सकता। एक साथ 3 तलाक देने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है, यानी ना सिर्फ यह असंवैधानिक है, सजा का भी प्रावधान है। एक साथ 3 तलाक देने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसी तरह 3 तलाक पर रोक लगाने वाला बिल आज टेबल भी किया गया। जुर्माने की रकम से पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। महिला के लिए, नाबालिग संतान के लिए भी, नाबालिग बच्चे को रखने का अधिकार महिला के पास होगा, यानी जो बच्चे की कस्टडी है वो महिला के पास रहेगी। गुजारा भत्ता, बच्चों के बारे में मैजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि कितना गुजारा भत्ता देना है, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मैजिस्ट्रेट इस पर फैसला लेंगे। और आज ये बिल विरोध के बावजूद टेबल हो गया है लोकसभा में। नेहा, शुक्रिया आपका मांद्रा। तो विरोध हुआ, कुछ पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए गए और इस विरोध के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को सदन के भीतर टेबल किया। अध्यक्ष महोदया, आज हम इतिहास बना रहे हैं। ये जो आपत्तियां आई हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये पूरा कानून न किसी पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, न मजहब का है। ये कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को गैर कानूनी कहा, अगर उसके बाद भी 3 तलाक चलता है, लोग, महिलाएं सड़कों पे फेंक दी जाती हैं, उनके गुजारे का कोई इंजाम नहीं होता है, तो क्या ये सदन खामोश रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पाप है, पाप के बावजूद अगर ये पाप किया जाएगा तो क्या ये सदन खामोश रहेगी? तीसरी बात, ये लोग राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज इस सदन को ये तय करना है कि 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का फंडामेंटल राइट है या नहीं, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए ये कानून, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को गैर कानूनी कहा गया, उसके बाद भी 3 तलाक चल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब ये सरकार ने यह कानून लाया है, सिर्फ इसमें 4 क्लॉज हैं। अब एक बात कही जा रही है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। मैं कहूंगा, क्या इस मुल्क की, हमारी बहनों का जो राइट है आर्टिकल 14-15 में अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। अब उधर से बात कही गई, आप इसको अपराध क्यों बना रहे हैं? मैं एक बात आपके सामने इस सदन को रखना चाहता हूं और सदन के माध्यम से देश को रखना चाहता हूं। अगर 3 तलाक गैर कानूनी हो गया, फिर भी अगर पति अपने पत्नी को 3 बार तलाक करके बाहर करते हैं, मेरे पास आज सुबह की एक खबर है रामपुर में कि पत्नी लेट से उठी, उसको 3 तलाक दे दिया, तो ये बिल्कुल कानूनी है। और भारत के संविधान के कंकरेंट लिस्ट के Entry 5 में इस सदन को पूरा अधिकार है इस कानून को लाए, इसलिए इस कानून को लाया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे इस कानून को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दी जाए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में जिस महिला का जिक्र किया, उनका नाम गुल अफशा है। आरोप है कि उनके पति ने सिर्फ इसीलिए उन्हें तलाक दे दिया क्योंकि वो सोकर देर से उठी। मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के नगलिया अकिल गांव का है। रात को मारपीट हुई, मैं रात भर सोई ना तकलीफ में, तो सुबह होते तलाक दे दी। किस बात को लेकर तलाक दिया? किस कोई बात बिना थी, देर से तो उठी हूँ तो इतनी तलाक दे दी। अब आप क्या चाहती हूँ? मैं वहीं रहना चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। तो क्या आप कोर्ट जाएंगी या अपनी शरीयत की अदालतों का सहारा लेंगी? शरीयत का सहारा हम अपनी। तो आप देखिए जरा स्थिति किस तरह की है। सुप्रीम कोर्ट
तीन तलाक को, तलाक बिद्दत हम बार बार कहेंगे, तलाक की प्रथा नहीं, तलाक बिद्दत, एक झटके में तीन तलाक को गैर कानूनी कह चुका है। बावजूद इसके तीन तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और आज सरकार ने इस बिल को पेश कर दिया है लोकसभा में, लेकिन कई तरह के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं हमारे साथ आज की इस चर्चा में शमीना शफीक जी हैं, नेशनल वुमेन कमीशन से हैं और महिला एक्टिविस्ट भी हैं। फिरोज बख्त साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। इसके अलावा तीन तलाक की कुछ पीड़ित महिलाएं जिनके हक के लिए ये जो बिल है इसे रखा गया है, तीन तलाक की पीड़ित महिलाएं जिनमें अंजुम जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही शबनम भी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ तीन तलाक के इस मुद्दे पर हैं और साथ ही मुफ्ती अब्दुल वाहिद जी भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले शमीना शफीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तीन तलाक का ये विधेयक, तलाक की बिद्दत का ये बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी कह चुका है, बिल आज पेश हुआ है, गैर कानूनी कहने से लेकर अब तक 67 मामले सामने आए हैं तलाक बिद्दत के, एक झटके में तलाक के। रामपुर में एक महिला देर से सोकर उठती है, उसको तीन तलाक दे दिया जाता है। अगर इस तरह की प्रथा चल रही है इस देश में तो फिर बिल लाने में दिक्कत क्या है, सवाल क्यों उठ रहे हैं इस बिल पर? ये मुझे लगता है उन मर्दों से पूछना चाहिए जिनको इस बात से परेशानी है कि उनके पास जो एकाधिकार था कि महिला को जब चाहे अपने घर से बाहर निकाल दें, ये उनके बेसिकली अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, सिर्फ इसलिए उनको दिक्कत है। वरना जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को इस ट्रिपल तलाक जो एक सिटिंग में होती है, जितनी दिक्कतें थीं, जितनी दिक्कतें हैं, वो हमारे और आपके सबके सामने हैं। बीजेपी को और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से शुक्रिया। 2018 एक ऐसा नया साल होगा जिसमें मुस्लिम महिलाएं कम से कम वो जो एक पूरी तलवार उनके गर्दन पर हर वक्त लटकती रहती कि पता नहीं कब शौहर उठेगा और कह देगा तलाक तलाक तलाक, शरीन तौर पे जो तलाक है वो तलाक एहसन है जिसमें बाकायदा कूलिंग पीरियड होता है दो तलाक के बीच में, महिलाओं को बचाने की दिशा में ये बिल है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले बहुत संक्षेप में डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्यों क्यों विरोध हो रहा है इसका? ये तलाक की प्रथा के खिलाफ थोड़ी बिल आया, तीन तलाक जो हर मायने में गलत है उसके खिलाफ बिल है। देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की हम भी मुखालफत करते हैं और वो कुरानी तरीका नहीं है, ये हम भी मानते हैं और उसको ख़त्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से पार्लियामेंट में बिल लेकर आ रही है हुकूमत, वो काबिल एतराज़ तरीका है। उसकी वजह यह है कि ये शरीयत में गैर पार्लिमानी किस्म की एक का हस्तक्षेप है, जिसमें जो आम तौर पर बिल लाने का तरीका है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाती है, कंसल्टेशन किए जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में सवाल का जवाब दिया कानून मंत्री ने, उन्होंने कहा कंकरेंट लिस्ट में यह अधिकार है कि सदन इस तरह के बिल पर अपनी बात रखे, और अभी तो ये पेश ही हुआ है सर, इस पर चर्चा होगी, बगैर चर्चा के पास होगा। आपको बता दें संसद में कानून मंत्री ने तीन तलाक खत्म करने वाला बिल पेश कर दिया है, क्या तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी आजादी, इस पर हम कर रहे हैं लगातार चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, क्या सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का आप स्वागत करेंगे? ये बिल मजहब के अंदर सरासर मुदाखलत है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस बिल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो ये है इस बिल के अंदर कि तलाक जब गैर कानूनी है, तलाक का कोई असर ही नहीं, तो फिर सजा क्यों? जब अच्छा, तलाक नहीं तो पड़ी मामले तो जुर्म नहीं हुआ, जब जुर्म नहीं, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ना, बात करने दीजिए मुझे, बात करने दीजिए, जब तलाक नहीं हुई तो जुर्म नहीं हुआ, जब जुर्म नहीं तो फिर सजा किस बात की? एक मिनट मुफ्ती साहब, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, ये कोर्ट ने, आपके कहने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये गैर कानूनी है, जो बात आप कह रहे हैं, उसके बाद से लेकर आज तक 67 मामले सामने आए हैं। रामपुर की घटना, आज की महिला देर से सोकर उठी, उसे एक बार में तीन तलाक दे दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि एक झटके में तीन तलाक के लिए बिल नहीं आना चाहिए। मेरी बात सुनिए पहले, ये बिल लाया गया है, इस बिल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उस कमी को अगर दूर कर दे तो हम बिल का स्वागत करते हैं। तो अभी तो चर्चा होगी ना, अभी तो पेश ही किया गया है। हमारे जो मर्द हैं गैर जिम्मेदारी से काम ले, अरे जनाब, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही बिल लाने की जरूरत पड़ गई, तीन अल्फाज तलाक के बोलकर और कोई महिला नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, घर के बाहर कर दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बात कहने में वजीर कानून बयान दे रहे हैं, मतलब मुस्लिम महिलाओं के इबादत का मजाक है, एक अरसा हो गया, एक अरसा दराज हो गया, मजाक बना हुआ है ट्रिपल तलाक का। आप चुप तो रहिए एक मिनट, मैं चुप की बात नहीं है, पहले मुझे तो बात करने दीजिए।
मैं तुरंत आपके आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है मुफ्ती साहब। हाँ, सबसे पहले पकड़ हम गुनाहगारों की नहीं होगी, आपकी होगी, क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आप दीन को जानते हैं। आप सही चीज रखिए लोगों के सामने ताकि मुसलमानों का मजाक ना बने और किसी भी चीज का मजाक ना बने। आप और इंद्रेश कुमार जी रखेंगे मुसलमानों के सामने? नहीं नहीं, ये तो आप रखेंगे और तस्लीम रहमानी साहब, मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, डोंट बी पर्सनल, ये बड़ा सीरियस मामला है, ठीक है? देखिए ये बड़ा सीरियस मामला है, तो देखिए कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी थी वो कोडिफाई करता। एक बात का जवाब दे दीजिए, फेल हुआ तस्लीम साहब, वो फेल हुआ। आप और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर होने चाहिए बोलिए प्लीज, मुझे बता दीजिए पर्सनल लॉ बोर्ड का कायदे नहीं बनाया है। मुझे आप लोगों का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, माफ कीजिए, ये मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा मामला है, ठीक है? एक मिनट, एक एक करके बोलिए सर प्लीज, मेरी बात सुनिए, अगर डॉक्टर साहब एक मिनट, हिंदू कोर्ट भी गवर्नमेंट पास कर सकती है, बल्कि ये भी कहना चाहिए कोर्ट को कि कम से कम 3 लाख का मुआवजा दे उस औरत को कि जिसको तलाक नहीं है उसने। नहीं, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, माफ कीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको दीन का पता है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। संसद में आज 3 तलाक का ऐतिहासिक बिल पेश कर दिया गया है। तलाक बिद्दत को गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, उसके बाद अब सरकार बिल लेकर आई है जिसे लोकसभा में आज रखा गया। हालांकि इसका कुछ राजनीतिक पार्टियों ने विरोध भी किया है। क्या 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी आजादी? क्या यह बिल उस दिशा में अहम साबित होगा? इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं भी हमारे साथ हैं। अंजुम जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 3 तलाक का दंश झेला है। अंजुम जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, 3 तलाक को लेकर ये जो बिल सरकार ने रखा है, क्या इस बिल के आने से आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ कि इस बिल के आने से अच्छी बात है कि औरतों, जितनी भी औरतें हैं उन्हें इंसाफ मिले। तलाक होने के इस पे इतना कड़ा सख्त मामला होने के बावजूद भी लोग उन्हें तलाक दे रहे हैं, आदमी फिर भी बाज नहीं आ रहे, अच्छी बात है, इन्हें सजा होनी चाहिए ताकि किसी औरत को तलाक ना दे पाए। लेकिन इस सजा का जो है मुस्लिम महिलाओं को फायदा क्या होगा? फायदा क्यों नहीं होगा, कम से कम देने से पहले वो थोड़ा डरेंगे तो सही। तलाक देने से बड़ा जी बिल्कुल फायदा होगा, प्लीज बोलने दीजिए उन्हें, इस मंच पर महिलाओं को बोलने दीजिए आप, फायदा होगा। अंजुम जी आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल शबीना जी मैं वही कह रही हूँ, नहीं नहीं अंजुम जी आप अपनी बात रखिए, इस मंच पर आप अपनी बात रखेंगी, यहाँ कोई आपको नहीं रोक पाएगा, बोलिए अंजुम जी। जी औरतों को तो आदमी ये नहीं सोचते कि ये हमारी औरत है, औरतों को आदमी के बराबर का दर्जा देना चाहिए, लेकिन दर्जा देते ही नहीं है। जब चाहो जब तलाक दे दिया, जब चाहो किसी के साथ भाग गए, तो अकेली औरत कैसे रह सकती है और कैसे अपने बच्चों को पाले, कैसे उनका पालन पोषण करेगी? अकेली औरत कैसे रह सकती है बताओ? अकेली औरत को कितना भारी है उन्हें बच्चों को पालना और उन्हें पढ़ाना लिखाना, कितनी बड़ी मजबूरी है बताओ। हर 2400 घंटे तो औरत ये नहीं कि बाहर रहेगी बच्चों की देखभाल कैसे करेगी? आपने तो क्यों नहीं, क्योंकि ये दर्द झेला है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि इसकी पीड़ा क्या है? बहुत ज्यादा जास्ती हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो और औरतों के साथ ना हो, उन्हें। अंजुम जी जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बिल आया है ये शरिया में दखल है, जी नहीं, ये बिल बहुत अच्छी बात है, ये आया इससे अच्छी बात है कि आगे जो है कानून अच्छा बने, उन्हें जो औरतों को तलाक देते हैं उससे आदमी डरे ताकि किसी औरत को तलाक ना दे पाए। अंजुम जी आपने अपनी बात रखी, शबनम जी भी मेरे साथ मौजूद है, फिरोज बख्त साहब, एक बार शबनम जी से भी मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शबनम जी, 3 तलाक का दर्द आपने भी झेला है और आज आप जैसी कई महिलाएं इस बिल को बड़ी उम्मीद से देख रही होंगी, आप लोगों के लिए सरकार ये बिल लाने का दावा कर रही है, आपको क्या लगता है इस बिल से फायदा होगा आप जैसी महिलाओं को? जी फायदा होना चाहिए, होएगा फायदा इस चीज से हमें भी, 3 तलाक संसद में 3 तलाक विरोधी बिल पास होना चाहिए, देश के नेताओं की जिम्मेदारी हमारे लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छी है। एक बात और शबनम जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जब ये बिल पेश हुआ उस वक्त ये कहा, बहुत सवाल उठे, ये कहा गया कि आप इसमें 3 साल की सजा क्यों पति को दे रहे हैं, अगर पति जेल चला जाएगा गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा, ये तो शरिया में दखल है और ये पति के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन है, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, उसी पे मैं टिप्पणी करूंगा ये बोलने, एक मिनट फिरोज बख्त साहब बात पूरी करने दीजिए उन्हें प्लीज। हाँ शबनम जी बोलिए जी, 3 तलाकों का जो 3 साल की सजा मिल रही है
ये अच्छी बात है कि उन्हें मिलनी चाहिए। आगे को उन्हें इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आगे को वो नहीं किसी के साथ ऐसा करेंगे। आखिर उन्हें जब ये सज़ा मिलेगी तो उनके लिए फ़ायदा है जिनको ये तलाक देंगे। ठीक है, आप में से कोई भी मुस्लिम महिलाओं के उस दर्द को वैसे महसूस नहीं कर सकता जैसा शबनम और अंजुम जी ने महसूस किया। मैं भी नहीं कर सकती, मैं भी कह रही हूँ। ठीक है, मेरे मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर आप लोग कर पाते तो ये मामला कोर्ट तक नहीं जाता, सरकार को कानून बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती सर। इस बात पर बहुत चर्चा कर फिरोज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी फिरोज साहब, आप अपनी बात रखिए। नेहा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। इन्होंने सजा की बात कही, इन्होंने कहा कि 3 साल की सजा दी जाए तो और लोगों को इससे डर बैठेगा। सजा के देखिए, सजा ठीक है नहीं है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ। 6 महीने की होनी चाहिए, 3 साल की, 10 साल की, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। एक बहुत अहम चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, वो ये है, देखिए कि हज़रत उमर के टाइम पर भी, हज़रत इब्ने तैमिया के टाइम पर भी, हज़रत अब्बास के वक्त में भी, जो लोग सिंगल सिटिंग में तलाक देते थे अपनी बीवियों को, उनको कोड़ों से सजा दी जाती थी। तो आप ये देखिए, ये जो बिल बना है और हज़रत उमर के वक्त की, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज़, थोड़ा सब्र तहम्मुल रखें, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो क्या ये उस तरह से, जो ये सज़ा उस दौर में दी जाती थी, और अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंद चीज़ जो है गुनाहों में या गलत बातों में, वो तलाक है। एक किस्सा मैं कह के बात पूरी करूँगा। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके पास एक सहाबा गए, कहने लगे मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। आपने पूछा क्या बातें हैं, उन्होंने बातें गिना दी। उन्होंने ये कहा कि उसमें 99 बुराइयाँ हैं, पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद ने कहा क्या कोई एक अच्छी बात है आपकी औरत, आपकी बीवी में? उन्होंने कहा एक अच्छी बात है, बता दी। तो हज़रत मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हज़रत यहाँ बैठे हैं, आप भी इस बात की तायद करेंगे कि अगर उस तुम्हारी बीवी के अंदर कोई एक अच्छी बात है तो अपनी तमाम उम्र उसे एक अच्छी बात के, उस अच्छी बात को देखते हुए गुजार दो, उसकी 99 बुराई बहुत अच्छी बात आप फिर उसको छोड़ दो। तो ये बहुत जरूरत है उन तमाम शोहरों को समझने की जो एक झटके में 3 तलाक दे देते हैं। हम आपको बता दें, संसद में 3 तलाक को खत्म करने का जो बिल है वो पेश हो गया है, दोपहर 2 बजे बाद इस पर चर्चा भी होगी। तलाक-ए-बिद्दत, इस पर जो बिल आया है, क्या इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को तलाक-ए-बिद्दत से निजात मिलेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त मेरे पास कम है, मौलाना कासिम साहब हमारे साथ इस चर्चा में है। मौलाना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो विधेयक, जो बिल पेश किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो आज इन्होंने 3 तलाक पर बिल लाने की कोशिश की है, अभी पेश किया है इन्होंने, पास होगा या नहीं है तो वक्त बताएगा, और पास होने के बाद देश में हमारी बेटियों बहनों के साथ हमारी जो बीवी है, अगर वो किसी तरीके से इस्लामी एतबार से, चूँकि आपने आर्टिकल 21, 22, 23, 24, 25 सब पढ़ा होगा कि हम इस देश में रहते, कोई भी इस देश में जो रहता है उन तमाम को अपने देश में अपनी मज़हबी शनाख्त के साथ, उसकी आज़ादी के साथ जीने का हक है, एक तो ये। दूसरे ये 3 तलाक का मसला आज से नहीं है, ज़माने से चल रहा है। RSS ने शुरू से इसकी जो है पहल शुरू की थी कि भी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि 3 तलाक एक गलत चीज़ है, इसका जगहसाई का मौका तो आप ही लोगों ने दिया है, मर्दों ने दिया है, अब बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है, अब बोले फिर मैं बोलूंगा, बोलिए। नहीं मौलाना साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, सवाल है लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। इतनी देर से बैठा हूँ, खामोश हूँ, बोलिए मौलाना साहब। 3 तलाक का जो मसला है वो देखिए शरीयत इस्लामिया जानती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि वहाँ पीड़ित जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये गलत हरकत हुई है, वो कोर्ट में गई हैं, कोर्ट में जा कर के जब लोगों ने शिकायत रखी तो कोर्ट के हमारे जस्टिस हजरात ने कहा कि ये गलत है, और कोर्ट उसी बात को जो है लागू कर सकता है जो पार्लियामेंट से पहले कानून बना हो। चूँकि कानून पहले से बना हुआ है तो पार्लियामेंट को चाहिए कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, अब ख़ास तौर से देखी बात, ये बात देखने को आपको चाहिए कि राज्यसभा में इनकी सारी जो है सारे के सारे लोग इनके बैठे हैं, लोकसभा में इनके लोग बैठे हैं, जब आप ये बिल पेश करने जा रहे हैं और कोई मुखालफत ही नहीं करेगा, एक तरह से थोपना हुआ, जब ये कानून पहले से बना हो उस पर चलना चाहिए।
रही बात सुप्रीम कोर्ट की, मैं दूसरी बात सुनिए पहले मौलाना साहब, मैं आपकी बात समझ गई। देखिए मेरे पास वक्त कम है और कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनसे बिल्कुल बात नहीं हुई है, लेकिन मौलाना साहब मेरी बात सुनिए आप। देखिए अभी तो पेश हुआ है ना, चर्चा होगी, कई मौके मिलेंगे जब आप आएंगे और अपनी बात रखेंगे, पर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप मौलाना जी हैं, मौलाना साहब आप मौलाना हैं, आपने जो जवाब दिया लोकसभा राज्यसभा में, आपने एक पार्टी की स्ट्रेंथ बताई, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो आपकी तरफ देख रही है मौलाना जी, आपकी पोस्ट की वजह से, आपके ओहदे की वजह से, उनके हक की बात मैं उम्मीद कर रही थी कि आप बोलेंगे, उनके हक की बात आप बोलेंगे, आपने अपना वक्त लिया, मैं फिर आऊंगी आपके पास। फरजाना जी मेरे साथ हैं, फरजाना जी तीन तलाक का दर्ज जीत चुकी है मौलाना साहब, मेरे ख्याल में आपके कानून के हिसाब से भी, आपके कानून के हिसाब से भी मौलाना साहब फरजाना जी को मौका मिलना चाहिए, वो पूरे कार्यक्रम में अभी तक बोली नहीं है। नहीं नहीं आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आ जाऊंगी आपके पास, मुझे अगर वक्त इसकी इजाजत देगा, वक्त इजाजत देगा बिल्कुल आपके पास आऊंगी। फरजाना जी आपने मौलाना साहब को सुना, आप इस बिल को लेकर क्या कहेंगी? जो ये बिल जो है ये पास हुआ है, होना चाहिए, ये पेश हुआ है जी, अब इसके बाद इस पे चर्चा होगी, आपको क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी तीन तलाक से? जी मिलेगी राहत, और जो कानून बना है, देखिए यही मसले मसाइल हैं मुस्लिम महिलाओं के, इनकी बेचारियों की आवाज भी नहीं निकलती, और ये जो औरतें घर आई हैं, मेरे ख्याल से घर से पहली बार इस किस्म से बाहर आई हैं और चैनल के अंदर, इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है, और आप शमीना शफीक जी वक्त मेरे पास बहुत कम है, एक मिनट। कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक गलत है, गैर कानूनी है, आप लोगों ने कहा चलिए ठीक है, उसके बाद जो 50 60 70 100 औरतों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुआ है, उस मसले पर आप लोगों ने क्या किया ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ महिलाएं कहाँ जाएं ये उसके बता बाद बिल तो बनेगा ही, अब बिल बनेगा तो उसको आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मौलाना साहब नहीं तो वो शिकायत करेंगे, मैंने उन्हें मौका नहीं दिया, ये बड़ा खतरनाक, बड़ा सीरियस मामला है, मैंने उन्हें मौका नहीं दिया, खवातीन के ताल्लुक का मामला है, कि कई मुस्लिम महिलाओं की आवाज को उनके समाज में मौका नहीं दिया जाता। मौलाना साहब नहीं हम अज्यूम क्यों कर रहे हैं, उनसे जवाब क्यों ले रहे हैं? मौलाना साहब आप क्या जवाब देंगे इसका? गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट के हालात के लिए बात डर की है, डर की क्या बात है, नहीं डर पा रहे हैं लोगों को, रेप के अंदर कितना जबरदस्त कानून बना, क्या रेप नहीं हो रहा है क्या दिल्ली में? आप क्या काम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज गलत हो रही है वो होती है? नहीं हम आपको ये कौन कह रहा है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं, शराब की वजह से सारी बीमारियां, शराब के बारे में क्यों नहीं पार्लियामेंट बिल लाती है, जस्टिफाई नहीं करता है, एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं करता। इस बिल के अंदर जो बिल आपने पढ़ा होगा, इस बिल के अंदर क्या इख्तियार दिए गए मुस्लिम महिलाओं को, तीन साल जेल बंद करके उसके शोहर को और बच्चा, जो शोहर मैं कहता हूँ बंद कर दे, मैं कहता हूँ कि जेल में बंद कर दे, मेरे पास इतना ही है। बंद करने के बाद आप ये बतलाइए, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब वक्त इतना ही है, माफ कीजिएगा समय इतना ही है मेरे पास, और सबसे बड़ी बात मुफ्ती साहब मौलाना साहब सिर्फ हमारी अपनी राय है, वैसे तो संसद सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, आपको भी मानना पड़ेगा, ये देश किसी के धर्म से नहीं चलता है, शरिया से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। देखना होगा तीन तलाक का ये जो बिल सामने आया है, आखिरकार कानून के तौर पर इसकी क्या शक्ल निकल कर आती है, लेकिन एक ऐतिहासिक बिल है, और जितनी मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ आज इस पैनल पर बैठी हैं, सबका ये मानना है कि इस बिल को आना चाहिए, और वो ये उम्मीद कर रही हैं कि कानून बनने के बाद शायद तीन तलाक के दर्द से ऐसी कई और महिलाओं को मुक्ति मिल पाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।